अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। अरे जो हमसे टकराएगा मिट्टी में गिर जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में गिर जाएगा। रशीदा रशीद को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। अवार्ड साहब संघर्ष करो, संघर्ष करो। अरे हमारा नेता कैसा हो, मैं श्यामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार कैंप। आपको बता दें कि एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रवीण पवार ये जो है रीता रशीद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो तमाम लोग एनसीपी के कार्यकर्ता मौजूद है, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और भूख हड़ताल किया जा रहा है। इनकी मांग है कि रीता रशीद पर इन लोगों की तरफ से जो एसओसीपी का मामला दर्ज कराया गया था, उस मामले में पुलिस जो है रीता रशीद को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। और इसी गिरफ्तारी को लेकर जो है अब प्रवीण पवार और एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। हम बात करेंगे प्रवीण पवार से। प्रवीण भाई, क्या कहेंगे आप जिस तरह से रीता रशीद पर जो मामला दर्ज कराया गया था उसके बाद से आप लोग लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था, आज आपको भूख हड़ताल भी करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन रीता रशीद जैसे गंभीर गुने में, जो एट्रोसिटी गुने में उनके ऊपर FIR दर्ज है, तो भी वो आरोपी खुलेआम समाज में घूम रही है तो उसको अटक नहीं की जाती है। जो FIR करने के लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ा, 12-13 घंटा आंदोलन करना पड़ा, उसके बाद संघर्ष के बाद पुलिस ने वो FIR लिया। आज 14 तारीख को उसके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, अभी तक आरोपी को अटक नहीं किया। जो कायदा कहता है, संविधान कहता है कि आरोपी को तुरंत अटक होनी चाहिए, फिर भी उसको अटक नहीं की जाती है, तो इसमें कहीं तो पुलिस प्रशासन का मनमानी कारोबार दिख रहा है। पुलिस प्रशासन जो कायदे की रक्षक है वो कायदे की भक्षक बन गई, ये ऐसा दिख रहा है। इसके लिए ये अनशन हम लोग कर रहे हैं, जब तक रीता रशीद और उसके साथीदारों को गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये अनशन हमारा चालू रहेगा। और ये अनशन किस तरह का है, कितने लोग जो है, ऐसा जानकारी है कि भूख हड़ताल पर बैठे तो कितने लोग है? ये भूख हड़ताल पर मैं और मेरे 2-3 साथी जब तक अटक नहीं होती जब तक भूख हड़ताल करेंगे, और बाकी के 20-25 लोग ये 10-10 घंटे के चैन आंदोलन में भूख हड़ताल करेंगे। पुलिस प्रशासन से आपने कुछ बात की कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, उन्होंने कुछ वजह बताई है ऐसा? पुलिस प्रशासन के संपर्क में हम लोग 14 तारीख से है, हर रोज ACP साहब, DCP साहब, सीनियर साहब के पास जाते हैं, उसके अटक के बारे में पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं प्रोसीजर चालू है, तपास चालू है, ये चालू है, वो चालू है। सिर्फ खाली हमको मतलब ऐसा दिन ढकेलने के काम चालू है और हमको भगाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि वो हमको तो हमारा तो आरोप है किसी बड़े नेता के दबाव में वो लोग कर रहे हैं, और वो संविधान की और पुलिस प्रशासन की ड्यूटी नहीं करते, वो तो बड़े नेताओं की ड्यूटी कर रहे हैं। पल्लवी जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से कुपोषण पर ये सभी लोग बैठे हुए हैं, आप भी यहाँ पर हैं? कुपोषण ये जारी रहेगा जब तक रीता रशीद को अटक नहीं होती है। जो इन कायदों का, जो महिलाओं की तरफ से कायदा है उसका दुरुपयोग कर रही है, अगर इसमें उन्होंने जो झूठी किया है मंदिर में उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर एक औरत को आप पकड़ नहीं सकते तो आप इसके आगे होने वाले समाज के सामने आप क्या रख रहे हो, आप कौन सा उदाहरण रख रहे हो कि ये क्या चल रहा है, जिसका इस मुमरा से, इस थाने जिले से कुछ लेना देना नहीं है, वो मुमरा में आती है, यहाँ के ही स्थानीय रहवासियों को उनके ऊपर हुकूमत करती है, उनके ऊपर दादागिरी करती है, और ऐसा होने के बावजूद मुमरा की पुलिस आज चुप है। तो हम उनसे सवाल करते कि आप चुप क्यों हो, आप किससे सैलरी लेते हो, आपको पगार कौन देता है, और आप किसके रक्षक हो? आपके ऑफिस में, आपके बैच में लिखा रहता है सद रक्षणाय खल निग्रहणाय, क्या आप इसका मीनिंग जानते हो? आपको पता है आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठे हो, लेकिन पुलिस जिम्मेदारी से हट रही है, मुकर रही है। अब हम भी देखना चाहते हैं कि कितने बड़े दबाव के पीछे पुलिस रहती है, हमारा जो हम अन्याय के खिलाफ जो यहाँ पर लड़ रहे हैं उसकी जीत होती है या इनके दबाव की जीत होती है। यहाँ पर और भी तमाम लोग NCP के मौजूद हैं, बापू मखरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जो दलित समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं। बापू भाई, आप क्या कहेंगे, आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं? हम इससे शामिल है, हालांकि बाबा साहब ने संविधान लिखा और सबको कायदा एक ही जैसा किया, अभी ये जो एट्रोसिटी रीता रशीद पे भरी गई है, आपने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर दलित मुस्लिम पे अन्याय होता है
गरीब लोगों पे अन्याय उठाता है तो अन्याय होता है तो उसका आवाज खाली आवार साहब उठाते हैं, और आवार साहब को टारगेट करने का काम ये सेना बीजेपी ने किया है। इसके लिए अगर आवार साहब जैसे आदमी पे गुनाह दाखिल होता है और उनको 24 घंटा अंदर रखा जा सकता है, तो रशीद जो रिजा रशीद है उसको भी वही कायदा लगाना चाहिए ना। आज एक इतना बड़ा आदमी, अगर कायदा सबको सरी का है तो अभी तक उन्होंने कंप्लेंट दी है तो पुलिस का काम है अरेस्ट करना। अरेस्ट करके जैसा आवार साहब को ट्रीटमेंट दिया वैसा इसको भी दे दो, इसको भी अंदर डालो। अभी तक बाहर क्यों घूम रही है, किसी के बोलने पे घूम रही है? उसके पीछे बीजेपी के बड़े नेता लोगों का, सेना के बड़े लोगों का हाथ है। इसके लिए हमारा दावा है और हम आपको बताते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। अगर रिदा रशीद को जल्दी से जल्दी अरेस्ट नहीं किया तो आपको मालूम है कि मुमरा में दलित और मुस्लिम लाखों लोग रहते हैं, ये लाखों लोग रास्ते पे उतर जाएंगे और इसका पूरा जवाबदारी मुमरा पुलिस स्टेशन का रहेगा। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से जल्दी रिदा रशीद को अरेस्ट कीजिए। और यहाँ जो हमारे भाई बेटे प्रवीण पवार और उनके साथ में जो हमारी माँ बहने बैठे, इनको इंसाफ दीजिए, नहीं तो आगे वाला जो भी होएगा उसका जवाबदार पूरा पुलिस प्रशासन रहेगा। यूनुस भाई, इस तरह से पप्पू भाई का कहना है कि बड़े नेताओं का दबाव है, अगर कुछ भी माहौल बिगड़ता है शहर का तो पुलिस प्रशासन उसकी जिम्मेदार होगी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि उनके वजह से ही ये सब मामला हो रहा है। मेरा तो सीधा सा एक ही बात है कि आज आजादी के 75 साल बाद भी दलित समाज को अपने हक और न्याय के लिए इस तरह के आंदोलन और उपोषण करने पड़ रहे, ये न्यायत शर्मनाक बात है। अगर इस उपोषण की शुरुआत का अगर शासन प्रशासन संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द इनकी मांग पूरी कर देती है तो ये जो चिंगारी आज यहाँ से लग रही है ये पूरे देश में फैलने से बच जाएगी और सारे देश के दलित समाज, मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि सरकार जो है हमारी भी सुनवाई करती है। FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस को सिर्फ आरोपी को कोर्ट में पेश करना है, जज फैसला करेंगे कि वो गुनहगार है कि नहीं है। पुलिस फैसला नहीं करेगी, पुलिस का हर FIR पे उनका एक्शन होना चाहिए। इस FIR पे उसका एक्शन नहीं है, तुरंत एक्शन करे और उसे अरेस्ट करे। सही बात है, इनुज भाई ने जो बोला वही सही बात है। हम लोग ने बहुत बड़ा आंदोलन किया 13-14 घंटे का, उसके बाद पुलिस ने FIR ली। चलो ठीक है, दबाव में है लेकिन पुलिस ने आखिर में अपना काम किया। तो अब FIR लेने के बाद में ये पुलिस का फर्ज है कि उनको अरेस्ट भी करना चाहिए और उनको कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए, क्योंकि हमारा भरोसा पुलिस के ऊपर राजकीय दबाव आ सकता है लेकिन हमारा भरोसा न्यायिक व्यवस्था के ऊपर है और हम जो जज है, कोर्ट है हमारा, उसके ऊपर किसी का राजकीय दबाव नहीं आ सकता। इसीलिए तो ये संविधान चल रहा है, लोकशाही चल रही है, तो उनको कोर्ट के सामने पेश करो, यही हमारी मांग है। और ये नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे 14 तारीख को FIR दाखिल हुआ, इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, इसमें कैसा होता है कि भाई किसके ऊपर FIR हो गया एट्रोसिटी में तो इमीडिएट उसको अरेस्ट होना चाहिए और उसके बाद में इंक्वायरी होना चाहिए। अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए मुमरा के सारे दलित लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। प्रवीण भाई यहाँ पे बैठा है और उनके साथ सारे लोग यहाँ पर अनशन पे उनको सपोर्ट करने के लिए आए। पुलिस प्रशासन ने जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करके करना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। प्रवीण भाई, आपने कहा था कि आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे, लेकिन आपके साथ में जो लोग हैं वही रहते हैं वरिष्ठ लोग, जैसे आपके शमीम पठान है, शानू पठान है, ऐसे और भी जो हर जगह मौजूद रहते हैं, आप लोग के साथ नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है, आखिर क्यों नहीं आ रहे? ये आंदोलन कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, मैं यहाँ पे अनशन पे लिए के लिए दलित समाज की ओर से बैठा हूँ। ये दलित समाज का आंदोलन है, हर पार्टी के, हर NGO के, हर मंडल के लोग यहाँ पे आए हैं और अनशन में समर्थन दिखाए। और शमीम भाई, शानू भाई का भी मुझे फोन आया था और भी भाइयों का, नगर सेवकों का फोन आया था, वो सब भी आ रहे हैं यहाँ पे दलित समाज के अनशन को समर्थन देने के लिए। मैडम, आपका नाम क्या है? एडवोकेट अक्षय मुस्के। तो आप जो FIR रिदा रशीद पर दर्ज हुई है उस संदर्भ में आप क्या बताना चाहेंगे कि उसमें कितने घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जो एट्रोसिटी एक्ट है, मतलब दलित अत्याचार प्रतिबंध एक्ट जो है, उस हिसाब से जब कोई भी गुनाह दाखिल होता है तो वो गुनाह दाखिल होने के बाद
24 घंटे के अंदर विदाउट एनी इंक्वायरी, मतलब कोई भी प्रोसीजर जो है, प्रोसीडिंग्स होती है वो किए बिना आपको पहले आरोपी को अरेस्ट करना है, उसके बाद आपको जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो करना है। हमारा गुनाह दाखिल हुआ कम से कम 13 से 14 घंटे बाद। वो गुनाह दाखिल होने के बाद भी आज एक हफ्ता बीत गया लेकिन फिर भी अभी भी कोई भी अरेस्ट नहीं हुई है। तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया है एट्रोसिटी एक्ट के साथ, हम लोगों ने कुछ सेक्शंस और सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट्स लगाई है जिन जजमेंट्स में पुलिस को उनके जो एक्ट्स है या उनके जो भी सारे ड्यूटीज है उनका इंटीमेशन दिया गया है कि जैसे एंटिसिपेटरी इसमें एप्लीकेबल नहीं है तो उनको तुरंत आरोपी को अरेस्ट करना चाहिए, या सीआरपी के कुछ कुछ सेक्शंस है उस सेक्शंस को भी ये ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं दे रहा है। तो हम लोग आज ये डेलीगेशन के थ्रू ये एप्लीकेशन हम लोग पुट ऑन करेंगे और इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो इसके लिए हम लोग पुलिस प्रशासन को रिक्वेस्ट करेंगे और उनके ऊपर जो भी दबाव है या पुलिस प्रशासन की जो भी तानाशाही चल रही है इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग उनको एक इंटीमेशन देंगे कि आपको आपकी ये ड्यूटीज फॉलो करनी है। और हमें आशा है कि पुलिस प्रशासन हमें इस साल इस टाइम पे भी ज्यादा संघर्ष करने नहीं लगाएगा, जल्द से जल्द हमारी जो सुनवाई है वो पूरी करेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और रिदा रशीद की गिरफ्तारी की यहाँ पर मांग की जा रही है, तमाम लोग देखेंगे आप लोग कि जो है एनसीपी के कार्यकर्ता हैं दलित समाज की तरफ से ये जो है ये आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रिदा रशीद की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ऐसा इनका कहना है कि जब तक रिदा रशीद की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कैमरा मैन नीलेश कन्हौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, राह टाइम्स, मुमरा।